नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह केस की जांच में जुटी सीबीआई को 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक की जानकारी यही सामने आ रही थी कि केस की अहम कड़ी माने जा रहे 3 लोग यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश से पूछताछ हो चुकी है और तीनों ने ही सवाल जवाब में अलग अलग बयान दिए हैं। इसी बीच सीबीआई की जांच में जो बड़ा नाम सामने आया है वो है संदीप सिंह। वही संदीप जिन्होंने सुशांत का अच्छा दोस्त होने का दावा किया था, वही संदीप जिन्होंने परिवार से बिना इजाजत लिए सुशांत के अंतिम संस्कार से जुड़े सभी निर्णय अपने हाथ में लिए थे। उन्हें लेकर बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि 14 जून के दिन संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर से कई बार फोन पर बात की। जी हाँ, 14 जून यानी सुशांत के मौत वाले दिन अक्षय नाम के एम्बुलेंस ड्राइवर से संदीप सिंह ने 3 बार बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जून की शाम 6:40 पर 48 सेकंड के लिए, फिर उसी दिन शाम 7:57 पर 51 सेकंड के लिए, जिसके बाद रात 9:59 पर 104 सेकंड के लिए संदीप और एम्बुलेंस ड्राइवर में बात हुई और फिर 16 जून की रात 9:59 पर 24 सेकंड की डिटेल सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर मौत वाले दिन 3 बार और 16 जून को 1 बार संदीप सिंह और अक्षय में बात हुई। बताते चले कि सामने आई कॉल डिटेल से एक खुलासा और हुआ है, वो ये कि संदीप सिंह जो खुद को सुशांत का करीबी बता रहे थे वो तो दरअसल सुशांत से पिछले 1 साल से संपर्क में ही नहीं थे। तो सवाल ये उठकर सामने आता है कि अचानक से मौत वाले दिन संदीप सिंह कहां से सामने आ गए और उनके लिए इतनी हमदर्दी दिखाने लगे। आपको यहां पर एक बात और याद दिला दें कि जब तक इस केस को आत्महत्या का मामला बताया जा रहा था तब तक संदीप सिंह सुर्खियों में बने नजर आ रहे थे। मीडिया से बातचीत करनी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना हो या फिर सुशांत के घर पटना जाकर परिवार के लिए सहानुभूति दिखानी हो, संदीप सिंह हर जगह नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इसमें साजिश और हत्या का मामला सामने आया, संदीप सिंह 9-2-11 हो गए। तो ऐसे में जनता द्वारा सवाल उठाना तो लाजमी है। हैरान करने वाली बात यह है कि संदीप सिंह को एक एम्बुलेंस ड्राइवर से क्या काम हो सकता है और वो भी रात का समय, जबकि सुशांत की मौत दिन के वक्त हुई थी। उन्हें उनके घर से दिन के वक्त एम्बुलेंस लेकर गई है। तो आखिर इन सब के बाद उन्होंने कुछ समय के अंतराल में ड्राइवर अक्षय से क्या बात की और क्यों बात की? गौरतलब है इस वक्त सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद उन 3 लोगों पर शिकंजा कसने में लगी है जो सुशांत के साथ रहते थे। लेकिन इस कॉल डिटेल के बाद मामले की असली जड़ तो कोई और ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल मीडिया संदीप सिंह के घर के बाहर मौजूद है, लेकिन संदीप सिंह ने खुद को घर में कैद कर रखा है। अब देखना यह होगा कि कब तक उनका सामना सीबीआई से होता है और इस कॉल डिटेल पर वो क्या सफाई देते हैं। सुशांत से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।